गाइस अभी अभी सुबह सुबह हुआ तो मैंने जैसे सो उठ कर कहा चलो फेसबुक कुछ चला लेते हैं, लेकिन यार जब मैंने फेसबुक खोला तो देखो आप लोग के सामने कि मेरा फेसबुक अकाउंट लॉक हो चुका है। अब मेरा पूरा मूड ख़राब हो चुका है। कैसे क्या हुआ दोस्तों, मेरे दोस्त लोग ने लिया था मुझसे फ्री फायर खेलने के लिए और वो लोग ने कुछ छेड़खानी की होगी, टू स्टेप वेरीफिकेशन लगाया था और मेरा अकाउंट लॉक हो गया दोस्तों। अब मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने गया यूट्यूब पे भैया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना वीडियो बना दें भर भर के, लेकिन किसी के भी वीडियो से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। फिर क्या था दोस्तों, मैं खुद ही सॉल्व कर लिया दोस्तों। अगर आपका भी नहीं हो रहा है ना तो ये वीडियो ज़रूर देखो, आपका फेसबुक अकाउंट अनलॉक ज़रूर हो जाएगा। अगर आप में फ़ोन नंबर नहीं लिंक है, अगर जीमेल नहीं लिंक है, तभी वीडियो देखो यार, अनलॉक हो सकता है। अगर लिंक है तो भैया बहुत अच्छी बात है, आपका तो अनलॉक होना ही होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेरे अकाउंट लॉक हो, जैसे स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट करता हूँ एंड कन्फर्म योर आइडेंटिटी मांग रहा है दोस्तों। अब यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ तो अभी आप लोग को देखो जीमेल भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ अपना यहाँ पर, तो मैं अभी थोड़ा जीमेल छिपा लूँगा तो हो देखिए। और यहाँ पर कन्फर्म कर देना है, टिक के उसके बाद डन कर देना है। उसके बाद यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी कार्ड, मैरिज, ये सब मांग रहा है। इसको लगाने के बाद अगर आपका नहीं ओपन हो रहा है तो वो उसके लिए वीडियो है। अगर आपका आधार कार्ड वार्ड लगा कर हो रहा है ओपन तो यहीं से कर लीजिएगा। तो यहाँ से नहीं हो रहा है मेरा, तो अब ये तरीका भाई काम करता है, 100% काम करेगा। पूरा वीडियो देखो, यहाँ से मुझे बैक हो जाना है। तो गाइस आप लोग को फेसबुक लाइट एप्लीकेशन लोड कर लेना एंड किसी का आईडी लॉगिन कर लेना दोस्तों, किसी का। उसके बाद दोस्तों आप लोग को पूरा तरीका अपनाना है और आपका आईडी 100% अनलॉक होगा। पूरा वीडियो ज़रूर आप लोग देखना। उसके बाद आप लोग को ऊपर यहां देख पा रहे होंगे 3 डॉट दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर रिपोर्ट आप प्रॉब्लम में क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करते जाना है दोस्तों और आपको अदर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आप लोग को जो लॉक वाला अकाउंट दिखा रहा तो उसका 2 फोटो आप लोग को क्लिक कर लेना है एंड यहाँ आप लोग को अपलोड करना होगा। तो मैं वो वाला फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने दोनों फ़ोटो को अपलोड कर दिया एंड यहाँ आप लोग को एक चीज़ लिखना है गाइस, जो कि आप लोग को पूरे ध्यान से देखकर लिखना होगा। और ये 2 फोटो है जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पर अपलोड किया है, तो आप लोग को ऐसे ही कर देना है। एंड आप लोग को अब टाइप करना होगा जो मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप सेम फिल कर देना है। तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ। तो गाइस मैंने लिखा माय फेसबुक अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड एंड नॉट गेटिंग अनलॉक बिकॉज इट्स शोइंग कन्फर्म योर आइडेंटिटी, सो रिक्वेस्ट टू फेसबुक प्लीज़ गिव मी अदर ऑप्शन एंड नेम, ईमेल, पासवर्ड और आपका नाम जो कि है वो आप लोग को यहाँ नीचे लिख देना है। तो आपको जल्दी जल्दी से लिख लेना नहीं है दोस्तों, पूरा ठीक तरीके से आप लोग को करना है। नेम डाल देना है जो आपका नाम था एंड उसके बाद यहाँ पर ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर ज़रूर डालना है। उसके बाद यहाँ से सेंड कर देना है। यहाँ देखिए मैं डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासपोर्ट भी डाल देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ आप लोग को सेंड करेंगे तो थैंक फॉर लेटिंग नो अस आ जाएगा। वहाँ से आप लोग को आप बैक आ जाना है वापस में, अब इस आईडी का काम नहीं है दोस्तों। अब आप चाहो तो इस आईडी को लॉग आउट भी कर सकते हो दोस्तों। अब आप लोग ने फीडबैक भेज दिया है तो 24 घंटे या आप लोग को 2 दिन रुक जाना है दोस्तों। उसके बाद अब आपको फिर ईमेल या फ़ोन नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं अभी 24 घंटे के लिए रुक जाता हूँ, उसके बाद से मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों। तो चलिए 24 घंटा में रुक जाता हूँ। तो दोस्तों लगभग 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं एंड फिर से मैं ओपन कर रहा हूँ, गेट स्टार्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया दोस्तों एंड अब देख सकते हैं गेट आ कोड बाय ईमेल आ गया है ऑप्शन दोस्तों। पहले हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, गेट आ कोड बाय ईमेल, लेकिन अभी तो ये आ चुका है दोस्तों। पहले कन्फर्म योर आइडेंटिटी दिखा रहा था, लेकिन ये गेट आ कोड बाय ईमेल आ चुका है। तो अभी मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दे रहा हूँ दोस्तों। अभी आप लोग को कोड जाएगा दोस्तों, तो मैं यहाँ से जल्दी से नेक्स्ट करता हूँ और कोड आप लोग को जीमेल बॉक्स पर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं गेट कोड पे क्लिक कर दे रहा हूँ, यहाँ जो हरा कलर का है दोस्तों। उसके बाद अब कोड जो कि है दोस्तों यहाँ पर इंटर करना होगा। तो अब कोड और इस ऑप्शन में जाता हूँ मैं ईमेल के, और उसके बाद यहाँ से कोड में लेकर आ जाता हूँ दोस्तों। तो कोड में आप लोग को दिखाऊंगा नहीं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कोड आया है, लेकिन मैं आप लोग को देख सकते हो यहाँ दिखा दे रहा हूँ, कोड यही है दोस्तों भाई। मगर यार कोई प्रयास मत करना है कोई करने का, तो यही कोड है, यहाँ पर मैं फिल कर दे रहा हूँ। ये मैंने दोस्त का ईमेल डाल दिया था दोस्तों, तो ये दोस्त का ईमेल है
मेरा तो यहाँ पर आ चुका है एंड यहाँ सबमिट कर देते हैं। और फिर से देखिए ये अनलॉक होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नीचे आप लोग को नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद अभी हरा पूरा हो जाए, नीला हो गया दोस्तों। अब हमारी आईडी ओपन हो रही है। तो गाइस अनलॉक हो रहा है, बहुत कम समय लगेगा गाइस। तो देख सकते हैं अनलॉक हो चुका है गाइस, आपके सामने लाइव प्रूफ दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे। और कोई भी लॉक्ड ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। अभी यहाँ से आप लोग को मैं लाइक करके भी दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं मैं लाइक कर दिया, बहुत सारा गाइस ऑप्शन जो कि था पहले वाला वही पूरा हमारा ऑप्शन वापस आ चुका है। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल भी देख सकते हैं, कोई भी फेक नहीं है, कोई भी बनावटी नहीं है दोस्तों, पूरा एकदम सेम आईडी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर सब कुछ गाइस मेरा ओपन हो चुका है, देख सकते हैं। यही तरीका आप लोग को अपनाना है दोस्तों, आपका भी आईडी बैक आ जाएगा। और जिसको भी आईडी अपना अनलॉक कराना है वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज ज़रूर कर देना दोस्तों। कुछ चार्जेज आपको पे करने होंगे, लेकिन ज़रूर मैं आपका अनलॉक कर दूँगा।